आपने कहा राखी की थाली, राखी की थाली या पूजा की थाली एक ही है, इनको सुव्यवस्थित ढंग से कुमकुमादि से अर्चित करके सजानी चाहिए। सबसे पहली चीज है कि हमको अक्षत रखना चाहिए, अक्षत शुद्ध और साफ होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत का मतलब ही है जो क्षत न हुआ हो। उसके बाद हमको हल्दी रखनी चाहिए, रोरी रखनी चाहिए, एक नारियल रखनी चाहिए, उसमें पुष्प रखने चाहिए, उसमें एक घी का शुद्ध जो है दीपक प्रज्वलित करा करके रखना चाहिए, उसके बाद उसमें मिष्ठान रखना चाहिए भाई की। सर्वप्रथम भाई के मस्तक पर हल्दी से टीका लगा करके उस पर रोली का टीका लगाना चाहिए, हल्दी से टीका लगाकर रोली का टीका लगाना चाहिए और फिर उस रोली के टीके पर जो है अक्षत लगाना चाहिए। हल्दी के ऊपर रोली लगा देने से यह लक्ष्मी नारायण का प्रतीक हो जाता है, सबसे बड़ी चीज है, समझ गए। उसके बाद अक्षत लगाने से जो क्षत न हो, जो नष्ट न हो, इसका फल मिलता है, अक्षत लगाना चाहिए। उसके बाद भाई को माला पहनाना चाहिए, माला पहना करके उसकी आरती उतारनी चाहिए और उनको मिठाई मिष्ठान खिलाना चाहिए। मिष्ठान खिला करके उसके बाद भाई जो है बहन को कुछ उपहार स्वरूप जो है दक्षिणा स्वरूप जो कुछ दे सकता हो अपने यथार्थ से वह देता है। वह उसकी रक्षा के निमित्त जो है वह संकल्पित द्रव्य होता है, जो वह द्रव्य देता है वह द्रव्य उस तरह का नहीं होता है, द्रव्य जो है रक्षा के निमित्त संकल्पित।